रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कंप्यूटर स्टडीज़। हम कंप्यूटर स्टडीज़ के लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड व्हाई वी स्टडी कंप्यूटर, एंड देन वी डिस्कस डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर इन डिटेल, डाटा एंड इंफॉर्मेशन। नो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर? ये पढ़ने से पहले मेरे आप लोगों से कुछ सवाल होंगे। मैं आप लोगों से, मेरी आदत है कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रीवियस लेक्चर के बारे में पूछता होता हूँ, सुनता होता हूँ, लेकिन क्योंकि अब आप फिज़िकली मेरे सामने नहीं हैं, इसलिए मैं आप लोग से ये उम्मीद रखूँगा कि आप लोग याद करके आए होंगे, पढ़ के आए होंगे, देख के आए होंगे। तो हम अपना ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, के व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन एंड व्हाई वी मेक दिस क्लासिफिकेशन। मेरे बच्चे, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, कैटेगरी फिजिकल साइज, नंबर ऑफ यूज़र्स। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी आप लोगों को बताया था, साइज़ के लिहाज से, नंबर ऑफ़ यूज़र्स के लिहाज से कंप्यूटर डिफर बेस्ड ऑन देयर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़, प्रोसेसिंग एबिलिटीज़। दे आर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू द पर्पज, कि वो क्यों यूज़ होते हैं। डाटा हैंडलिंग एंड फंक्शनैलिटी, अकॉर्डिंग टू डाटा हैंडलिंग कंप्यूटर्स आर एनालॉग एंड डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। इसी तरह डाटा हैंडलिंग के लिहाज से कंप्यूटर की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, क्लासिफिकेशन हैं, वो अभी हम देखेंगे कि हमारे पास आगे जाके एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं। अभी हमने ये देखना है कि इनकी बेस पर, मैंने दो चीज़ें आप लोगों ने माइंड में रखनी है इस चीज़ के, जब भी इनका डिफरेंस लिखना है तो इन्हीं की चीज़ को बेस पे रखना है। फिजिकल साइज क्या है, नंबर ऑफ यूज़र कितने हैं, और उसका पर्पज़ क्या है, क्यों बनाया गया है। पर्सनल कंप्यूटर है, जैसे कि हमारे पास, जिसको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं, फिट ऑन अ डेस्क, एक डेस्क के ऊपर क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, हम डेस्क के ऊपर रख के उसे यूज़ कर रहे होते हैं। इसकी मैं डिटेल भी आगे बताता हूँ। यूजली आमतौर पर वन कैन बी मोर नेटवर्क, यूजुअली वन, एक लोग इसे क्या करता है, आमतौर पर यूज़ करता है। अगर नेटवर्क के ऊपर है तो एक से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये पर्सनल कंप्यूटर एक के लिए बनाया गया है। मोबाइल कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइसेस, गेम कंसोल, ये आप लोगों के हाथ में आ जाते हैं, फिट ऑन योर लैप, या तो आपकी लैप के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, जैसे लैपटॉप हो गए, फिट इन योर हैंड, जैसा कि आप लोगों के मोबाइल फ़ोन हो गए, स्मॉल बॉक्सेस हो गए, ठीक है, ये आप लोग, इनके छोटे छोटे, छोटा साइज़ होता है, वन टू सेवरल, आमतौर पर एक बंदा इसे यूज़ करता है, एक एट अ टाइम। इसके बाद सर्वर है, सर्वर हमारे पास स्मॉल कैबिनेट होता है, टू थाउजेंड, ठीक है, 200 से ज़्यादा लोग उसे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये चाचा सर्वर नहीं है, जो आप लोग ही समझ लें कि हमारे पास क्या है, कोई सर्वर जो किसी का अंकल का नाम होगा तो वो वाला सर्वर नहीं है। ये सर्वर क्या होता है मेरे बच्चे, मैं आगे डिटेल में आप लोग को बताता हूँ। मेन फ्रेम कंप्यूटर है, पार्शल रूम टू अ फुल रूम ऑफ द इक्विपमेंट, ठीक है, हंड्रेड टू थाउजेंड लोग इसे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं एट अ टाइम, एक ही कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को इतने ज़्यादा लोग यूज़ कर सकते हैं। अब आप लोग के माइंड में ये आ रहा होगा कि एक, हम कह रहे हैं एक से ज़्यादा लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक कंप्यूटर को तो एट अ टाइम एक बंदा यूज़ कर सकता है, ठीक है, लेकिन हम उसके अंदर जो प्रोसेसिंग है, उसके अंदर जो प्रोसेसिंग पावर है, वो एक से ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे हैं वो भी मैं आप लोग को जब इनकी डिटेल बताऊँगा तो सारी चीज़ें बताता जाऊँगा। सुपर कंप्यूटर, फुल रूम ऑफ द इक्विपमेंट, तकरीबन इसका साइज इतना होता है कि एक कमरे के अंदर आप लोग का इसका सारा इक्विपमेंट आएगा, हज़ारों लोग इसे क्या कर सकते हैं, एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर, ठीक है, ये बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इसे एक बंदा यूज़ करता है। एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होते हैं, इसकी भी मैं आप लोगों को डिटेल बताता हूँ। अभी हमारे सब कैंपस के अंदर कंप्यूटर लैब बनने जा रही है, तो उसके अंदर मैं इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को ये प्रैक्टिकल चीज़ें भी दिखाऊँगा कि हमारी काफ़ी सारी चीज़ें आ भी चुकी हैं लैब की, आईटी की, तो वहाँ पे मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें, सर्वर कंप्यूटर भी दिखाऊंगा। आप लोगों को लगेगा कि ये उसी तरह का कंप्यूटर है लेकिन सर्वर है, तो मैं उसको सर्वर बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, ये इसकी बेस पर इसकी कंप्यूटर क्या है, डिफरेंट क्लासेज हैं। अब हम बात करते हैं पर्सनल कंप्यूटर की। पर्सनल कंप्यूटर हमारे, जितनी भी हम उसे इनपुट दे रहे होते हैं, ठीक है, वो सारी उनको क्या करता है, प्रोसेस करता है और हमें रिजल्ट देता है। पर्सनल कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर दैट कैन परफॉर्म ऑल ऑफ इट्स इनपुट,
जो हम उसको इनपुट देते हैं वो सारी परफॉर्म करता है प्रोसेसिंग, यानी उसको इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है एंड देन हमें आउटपुट शो करता है, एंड स्टोरेज एक्टिविटीज़ बाय इटसेल्फ, और उसको उसके अंदर डाटा स्टोर भी करता है, ठीक है, जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है। बाय इटसेल्फ का क्या मतलब है, यानी खुद से, खुद से का मतलब ये है कि समटाइम हम टर्मिनल यूज़ कर रहे होते हैं, टर्मिनल का मतलब होता है उसकी अपनी स्टोरेज नहीं होती, वो किसी और जगह पर हमारा डाटा स्टोर हो रहा होता है, ठीक है, लेकिन पर्सनल कंप्यूटर की अपनी मेमोरी होती है। पर्सनल कंप्यूटर कंटेन अ प्रोसेसर, उसके अंदर एक प्रोसेसर लगा होता है, मेमोरी एंड वन आर मोर इनपुट, ठीक है, उसके एक या एक से ज़्यादा क्या होती हैं, इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस लगी हुई होती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस भी उसके अंदर लगी हुई होती हैं, जैसे हमारी हार्ड डिस्क वगैरह लगी हुई होती है। पर्सनल कंप्यूटर आल्सो ऑफन कंटेन अ कम्युनिकेशन डिवाइस, ठीक है, आप आमतौर पर उसके साथ कम्युनिकेशन डिवाइसेज जैसे मोडेम वगैरह लगी हुई है, जिससे हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, वो हमारी क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइस है। कंपनी सच एज डेल, एचपी एंड तोशीबा सेल द पीसी कंपैटिबल कंप्यूटर, जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर हैं, ठीक है, पीसी से मुराद क्या है, पर्सनल कंप्यूटर, तो वो हमारे ये कंपनीज हमें प्रोवाइड कर रही हैं। आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा डेल है, एचपी है, तोशीबा है, लेनेवो है, ये सारी काफ़ी सारी कंपनीज हैं। अब कौन सी कंपनी का अच्छा होता है, किस तरह अच्छा होता है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, ये भी मैं आप लोग को एक दिन बताऊंगा कि आप लोग कंप्यूटर लेने जाते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, किस तरह चेक करनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह अब हमारे पास इसके बाद है मोबाइल कंप्यूटर, जैसा कि उसका नाम बता रहा है, आप लोगों के मोबाइल डिवाइसेज हैं, पर्सनल कंप्यूटर की तरह ही है ये भी आप लोगों का, क्योंकि एक बंदा उसे अपने पर्सनली यूज़ कर रहा होता है। आप इसे मोबाइल का मतलब क्या होता है, मोबाइल डिवाइसेज कोई भी ऐसी डिवाइसेज होंगी इसे हम मोबाइल क्यों कहते हैं, मोबाइल का मतलब ये है कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले जाना, कि हम इसे इजीली एक जगह से दूसरी जगह, हमारे ये साथ होता है मोबाइलिटी, ठीक है, इसकी मोबाइलिटी है कि हम इसे मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, हमारे साथ ये फिरता रहता है, जैसे लैपटॉप हो गया, टैबलेट पीसी हो गया, ये सारी मोबाइल डिवाइसेज हो गई, पीडीए पर्सनल डाटा असिस्टेंट हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, ये सारी हमारी क्या हैं, मोबाइल कंप्यूटर हैं या मोबाइल डिवाइसेज हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास कंप्यूटिंग डिवाइसेज स्मॉल इनफ टू होल्ड इन योर हैंड, अपने हाथ में ले सकते हो। द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ मोबाइल कंप्यूटर इज इन द नोटबुक कंप्यूटर, सबसे ज़्यादा जो है वो लैपटॉप यानी नोटबुक कंप्यूटर, जो मोबाइल कंप्यूटर के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसी तरह जब हम ये डायग्राम्स भी आप लोगों को नज़र आ रही हैं, ये जैसे लैपटॉप की हो गई, ये टैबलेट पीसी हो गया, ठीक है, इसी तरह हमारे मोबाइल डिवाइसेज हो गई, पीडीए पर्सनल डाटा असिस्टेंट हो गया, इस तरह डिजिटल कैमरा वगैरह, ये सारे हमारे पास क्या हैं, मोबाइल डिवाइसेज में आ जाते हैं। इसी तरह गेम कंसोल, गेम कंसोल मीन के गेम खेलने के लिए, गेम्स तो सारे खेलते हैं ना, आप लोगों में से काफ़ी सारे ऐसे होंगे जो गेम्स खेलते होंगे, तो गेम्स खेलने के लिए जो हमारी स्पेशल डिवाइसेज होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, गेम कंसोल। कंप्यूटिंग डिवाइसेज डिज़ाइन फॉर द सिंगल प्लेयर और मल्टीप्लेयर वीडियो गेम, ये एक प्लेयर के खेलने के लिए या एक से ज़्यादा प्लेयर्स के खेलने के लिए जो वीडियो गेम्स को खेलने के लिए जो डिवाइसेज बनाई गई हैं, डिज़ाइन की गई हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गेम कंसोल कहते हैं। तीन हमारे पास क्या है पॉपुलर जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वालों का, एक्सबॉक्स है, एक्सबॉक्स 360, ठीक है, ये गेम कंसोल है। इसी तरह नेंटेंडो वाई है, ठीक है, हमारे पास। इसी तरह सोनी का प्ले स्टेशन है, प्ले स्टेशन 3, ये सारे क्या हैं, गेम कंसोल हैं। अब आ गए हमारे पास सर्वर कंप्यूटर, ठीक है, अब वही बात आ गई चाचे सर्वर वाली, वो ये नहीं समझना कि हमारे पास अंकल सर्वर जो है हमारे पास क्या काम करता है और किस काम के लिए होता है। तो ये अंकल सर्वर का जो काम होता है, ठीक है, ये सर्वर कंप्यूटर क्या होता है, ये एक पावरफुल कंप्यूटर होता है। अब मैं इसकी डेफिनेशन या इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, किस चीज़ की बात बताऊँ जो आप लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते होंगे, यूट्यूब यूज़ करते हैं, ठीक हो गया, YouTube यूज़ करते हैं ना सारे। अब YouTube के ऊपर आपके लोग क्या करते हो, सर्च करते हो, वो आप लोगों को वीडियो सर्च होके मिल जाती हैं। वो कैसे मिल जाती हैं मेरे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को कभी आज तक समझ नहीं आई होगी कि ये कैसे मिल गई, आपके कंप्यूटर पर तो नहीं पड़ी होती ना, वो आपको सर्च करके दे दे, या आप लोग कहते हैं कि भी इंटरनेट से सर्च किया है, और भाई इंटरनेट से क्या हवाओं में तो नहीं घूम रही होती, कहीं तारों में तो नहीं घूम रही होती, कोई कहीं हमने उसे कहा कोई चीज़ ऐसी थी उसको पकड़ के ले आई, ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये कंसेप्ट याद रखना है कि जब भी हम आप लोग सर्च करते हो, ये यूट्यूब का एक कंप्यूटर है, ठीक है, यूट्यूब वालों ने कंप्यूटर बनाया हुआ है जिसके ऊपर उन्होंने अपना ये सारा डाटा रखा हुआ होता है। और ये भी आप लोग माइंड में रखें, जो आप यूट्यूब की वीडियो चला रहे होते हो, वीडियो चलाते हैं,
हमारे ब्राउजर में चल रही है, वो उसको आपका प्रोसेसर नहीं चला रहा, आपका कंप्यूटर नहीं चला रहा, ठीक है। वो कहाँ पे चल रही है? YouTube के कंप्यूटर के ऊपर चल रही है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर के ऊपर जब है ही नहीं तो वो कैसे चलेगी। वहां पे सिर्फ हमें उसका इंटरफेस यानी दिखाई जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि हमें नजर आ रहा है कि वो चल रही है हमारे कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। उसका इंटरफेस हमारे कंप्यूटर के ऊपर है, आउटपुट उसे हमें नजर आ रहा है, बाकी उसकी जो प्रोसेसिंग है वो सब कुछ कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। हमारे एक कंप्यूटर जो YouTube वालों ने बनाया हुआ है, YouTube के ऊपर उन्होंने अपना डाटा जहाँ पे रखा हुआ है, वीडियोज रखी हुई हैं, उसके अंदर प्रोसेसर लगे हुए हैं, ठीक है, वो हमारा उन चीज़ों को वो देख रहा है। अब आप देखें कितने लोग, सिर्फ एक पाकिस्तान की बात कर रहे हैं या दुनिया की अगर हम बात करते हैं, एट अ टाइम यूट्यूब से कितने लोग सर्च कर रहे होते हैं, कितने देख रहे होते हैं। तो वो एक कंप्यूटर हम बनाते हैं, ठीक है, एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो बाकी तमाम सारे कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। एक ऐसा कंप्यूटर जो हमारे बाकी तमाम सारे कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर रहा होता है, सारी चीज़ों को प्रोसेस कर रहा होता है, सारे काम कर रहा होता है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है? सर्वर कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है। अब समझ आई है कि सर्वर कौन सा है? अब ये वाले मैंने फिर बार बार आप वो की बात कर रहा हूँ, अगर ये माइंड मत कीजिएगा कि किसी के क्लास में अगर किसी का कोई अंकल या कोई किसी का नाम सर्वर है, ठीक है, तो वो वाले सर्वर की हम बात नहीं कर रहे, हम अपने कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्वर कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जैसे सपोज मैं अभी आप लोगों को बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे कंप्यूटर सब कैंपस में आईटी की लैब बनने जा रही है, जो कि उसको एक डेढ़ महीने के दो महीने के अंदर कम्प्लीट होगी। तो मैं आप लोगों को उसके मैं उनका सर्वर कंप्यूटर बनाऊँगा, ठीक है। एक कंप्यूटर मैंने मंगवाया हुआ है जो ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। उन सारे कंप्यूटर्स को कंट्रोल करने के लिए मैं एक कंप्यूटर रखूंगा और उसको मैं सारी उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग वगैरह करूंगा, उसको सर्वर बना दूंगा जो बाकी सारे कंप्यूटर को क्या कर रहा होगा, कंट्रोल कर रहा होगा। उसी कंप्यूटर के ऊपर बैठ के मैं अगर किसी को ब्लॉक करना चाहता हूँ, ठीक है, कि मैं मेरे इन सारे कंप्यूटर के ऊपर कोई फेसबुक ना ओपन कर सके, मैं कर लूँगा, ठीक है। मैं उसी कंप्यूटर के ऊपर बैठ के अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी लैब के अंदर जितने भी कंप्यूटर 50, 60, 70 कंप्यूटर पड़ा हुआ है, इन कंप्यूटर्स के ऊपर कोई अपनी क्या ना लगा फ्लैश ना लगा सके, अगर लगाता है फ्लैश तो काम वो ना चले, मैं उसके ऊपर बैठ के कंट्रोल कर लूँगा, सेटिंग कर लूँगा, ठीक है। मीन के एक ऐसा कंप्यूटर जिसके ज़रिए जिसके साथ बाकी सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हों, ठीक है। वो किसके ज़रिए कनेक्टेड हो सकते हैं? वाईफाई के ज़रिए भी कनेक्ट हो सकते हैं या उसके साथ केबलिंग के ज़रिए भी कनेक्ट हो सकते हैं, और उसको हम क्या कर रहे होते हैं, उसके ज़रिए कंट्रोल कर रहे हों सारे बाकी तमाम सारे कंप्यूटर्स को, तो हमारा क्या कहलाता है? सर्वर कंप्यूटर कहलाता है, सेंट्रलाइज कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है। जैसे आप लोग देखते हो BA BS फर्स्ट ईयर का आप लोग का रिजल्ट आया, सेकंड ईयर का रिजल्ट आया, तो आप लोग का सेकंड ईयर आप लोग क्या करते हो? सिर्फ रोल नंबर लिखते हो। अब वो सर्चिंग कहाँ पे हो रही है? आपके कंप्यूटर पे तो नहीं हो रही। वो एक कंप्यूटर है जहाँ पे उन्होंने डाटा रखा हुआ है, सर्वर कंप्यूटर है उन बोर्ड वालों का, और उन्होंने सर्वर बनाया हुआ है, वहाँ पे सर्चिंग भी होती है और वो सर्च करके आप लोगों को रिजल्ट भी दिखा देता है, वहाँ पे रिजल्ट भी पड़ा हुआ है। अब आप सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि सर्वर कंप्यूटर क्या होता है। सर्वर हमारा क्या है? एक ऐसा कंप्यूटर है जो बाकी तमाम, ठीक है, जिसके साथ हम लिंक किए हुए हैं सबके, और उसी एक कंप्यूटर के ऊपर बैठ के बाकी सबको क्या कर रहे होते हैं? कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये सर्वर जो है ये बाकी कंप्यूटर से क्या होता है? पावरफुल कंप्यूटर होता है। हम जब भी, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आप लोगों का सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया होगा, आप लोगों ने क्या किया? नेट पर बैठ के, ठीक है, एक रोल नंबर रिक्वेस्ट की और सर्वर की, तो वो सर्वर से आप कनेक्ट हुए www.baismuldan.edu.pk। जैसे आप लोगों ने लिखा तो सर्वर से कनेक्ट हो गए, ठीक है। अब आप उसे सर्वर के से क्या कर रहे हो? रिक्वेस्ट कर रहे हो कि हमारी ये सर्विस है, हमारा ये काम है, ये काम करके दिखाओ। तो आप लोग क्या करते हो? उसको काम करने के लिए कहते हो, रिक्वेस्ट करते हो किसी सर्विस की, तो वो सर्वर जो है वो आपकी रिक्वेस्टेड सर्विस को क्या करता है? वो काम करके देता है, रिक्वेस्टेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जो आप लोगों ने सर्विस की रिक्वेस्ट की होगी वो आपको देगा। सर्वर कंट्रोल एक्सेस टू द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर जो हमारे हार्डवेयर लगे हुए हैं उन सबको कंट्रोल करता है, सॉफ्टवेयर है एंड अदर रिसोर्सेज ऑन द नेटवर्क इंटरनेट के ऊपर, ठीक है, एंड प्रोवाइड अ सेंट्रलाइज स्टोरेज एरिया फॉर अ प्रोग्राम। कि हम एक प्रोग्राम का डाटा स्टोर करने के लिए भी एक, जैसे अभी आप लोग देखें, आप लोगों ने जब एडमिशन लिया यहाँ पे, ऑनलाइन अप्लाई किया, फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करने के बाद आप लोगों का डाटा कहाँ गया? वो फॉर्म क्या है? वो आप वहाँ पे पेज की सूरत में तो नहीं है यूनिवर्सिटी के पास,
ठीक है, आप लोग सिर्फ फॉर्म फिल कर रहे हो, ये आईटी वाले यही सीखते हैं, ये फॉर्म बना के आप लोगों को देना है, वो डाटा जो आएगा जो आप लोग इंटर करोगे उस फॉर्म से डाटा लेना है और उसको किसी कंप्यूटर के ऊपर स्टोर कराना है। अब ऑनलाइन आप लोगों ने अपना फॉर्म फिल किया होगा, वही फॉर्म वाला डाटा जो है एक कंप्यूटर के ऊपर जाके क्या होगा, स्टोर होगा। किसके ऊपर? वो सर्वर के ऊपर जाके स्टोर होगा, सर्वर कंप्यूटर जो उसको कंट्रोल कर रहा होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये सर्वर जो है सेंट्रलाइज स्टोरेज एरिया भी हमें प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन। सर्वर कैन सपोर्ट फ्रॉम 2 to several thousand कनेक्टेड कंप्यूटर, उसके साथ हजारों कंप्यूटर कनेक्टेड हो सकते हैं एट अ टाइम, उनको कंट्रोल कर सकता है। ये उसकी सर्वर की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का है। अगर मेन फ्रेम है ठीक है, तो वो सपोज अगर 10,000 को कंट्रोल कर सकता है, तो सुपर कंप्यूटर कंप्यूटर जो है ना हमारे पास ट्रिलियन ऑफ अरबों कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है एक साथ। ठीक है, ये उसकी कैपेसिटी के ऊपर है। सर्वर कोई कंप्यूटर की कैटेगरी नहीं है, ये कंप्यूटर का नाम है, एक ऐसा कंप्यूटर जो बाकी कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर रहा होगा, हमने उसको बनाया होगा कंट्रोल करने के लिए या स्टोरेज के लिए, तो हमारा क्या कहलाएगा, सर्वर कंप्यूटर कहलाएगा। ठीक हो गया, बाकी ये जो है क्लासिफिकेशन में आ जाता है, मेन फ्रेम हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया या मोबाइल कंप्यूटर हो गया। अब यहां पे देखें कि सर्वर कैन सपोर्ट फ्रॉम 2 to several thousand ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर एट द सेम टाइम, हजारों कंप्यूटर एट द सेम टाइम को कंट्रोल कर सकता है। इन मैंने जैसे मैंने अभी आपको YouTube की एग्जांपल दी, तो वो हजारों लोग एट अ टाइम कनेक्टेड होते हैं, तो वो सबको कंट्रोल कर रहा है, सबको जवाब दे रहा है, सबको सारी प्रोसेसिंग हो रही है। इन अदर केसेस पीपल यूज पर्सनल कंप्यूटर आर टर्मिनल अदर, दूसरे जैसे हमारे पास हम अपना पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं और सर्वर कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, जैसे मैंने आप लोग अभी यूट्यूब की एग्जाम्पल दी है, इसलिए एग्जाम्पल दिया है कि आप लोग उसे यूज करते हो सारे, आप लोग अपना पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल यूज करते हो, उसके ऊपर आप लोग कनेक्ट हो जाते हो किसके साथ, यूट्यूब के साथ। कैसे कनेक्ट हो जाते हो, जब लिखते हो www.youtube.com, ये youtube.com क्या है ये मैं आप लोगों को आगे जाके इसकी डिटेल बताऊंगा कि www.youtube.com क्या है, youtube.com. क्या है, ये कॉम क्या है। ठीक है, ये हमने डिटेल में देखनी, जैसे लिखा तो वो सर्च करते हुए एक कंप्यूटर का एड्रेस हम दे रहे होते हैं, बेसिकली कंप्यूटर का एड्रेस, तो वो उस कंप्यूटर के साथ क्या हो जाते हैं, हम कनेक्ट हो जाते हैं, फिर उसके ऊपर हम अपने काम कर रहे होते हैं, जैसे हमारे पास जो जो हमें उसने अलाउ किया होता है, जैसे हम YouTube के ऊपर कोई वीडियो अपलोड कर देते हैं, कोई वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं, कोई वीडियो चला के देख लेते हैं। ठीक है, ये सारे काम हम उसके कर रहे होते हैं, लेकिन काम बेसिकली कहाँ हो रहे होते हैं, उस कंप्यूटर के ऊपर, सर्वर कंप्यूटर के ऊपर होते हैं जहाँ पे वीडियो मौजूद है। और टर्मिनल कंप्यूटर जो हमारे पास होता है, ये हमारा पर्सनल कंप्यूटर हो गया टर्मिनल कंप्यूटर। ठीक है, सिर्फ उसकी क्या चीज़ है, टर्मिनल इज अ डिवाइस विद अ मॉनिटर कीबोर्ड एंड मेमोरी, उसकी सिर्फ क्या होती है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है और मेमोरी होती है, बाकी उसका प्रोसेसर वगैरह कोई चीज़ नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल कंप्यूटर कहते हैं। इसके बाद हम बात आ जाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के। मेन फ्रेम हमारे पास क्या है, मेन फ्रेम इज अ लार्ज एक्सपेंसिव पावरफुल कंप्यूटर, ये हमारे पास बड़ा है और बहुत पावरफुल कंप्यूटर है, दैट कैन हैंडल 100 or 1000 ऑफ कनेक्टेड यूजर साइमल्टेनियसली, यानी उसके साथ हम इसको सर्वर के तौर पर यूज कर सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर को, और इसके अंदर इसके साथ हजारों लोग एट अ टाइम कनेक्ट होकर उसे उसके ऊपर कोई ना कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। मोस्ट मेजर कॉर्पोरेशन यूज मेन फ्रेम फॉर बिजनेस एक्टिविटीज, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज करती हैं। ठीक है, इसको हम नहीं यूज करते क्योंकि हमें फायदा नहीं है इसका, एक पर्सनल कंप्यूटर को हम उतना यूज करते हैं जितनी हमें पावर की जरूरत है। हम एक बड़ा कंप्यूटर ले लें जिसकी हमें पावर की जरूरत नहीं है, तो हम वेस्ट ही कर रहे होंगे उसको, और ये इसकी जो कीमत है वो हजारों डॉलर्स के अंदर होती है, हम परचेज भी नहीं कर सकते। तो बड़ी बड़ी जो इंटरप्राइज होती हैं, जो हमारे पास जैसे बिलियन मिलियन कस्टमर उसके साथ कनेक्ट होते हैं, अपने पेरोल 1000 of employees, मैनेज 1000 of atom inventory, उसके हजारों इन्वेंट्री को कंट्रोल कर रहे होते हैं। वन स्टडी रिपोर्ट दैट मेन फ्रेम प्रोसेस मोर देन 83% ऑफ द ट्रांजेक्शन अराउंड द वर्ल्ड, यानी एक मेन फ्रेम कंप्यूटर पूरी दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन हो रही हैं, उनकी 83% को कंट्रोल कर सकता है, यानी एट अ टाइम, इतना पावरफुल कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। फिर इससे भी आगे पावरफुल कंप्यूटर की बात करते हैं, तो वो सुपर कंप्यूटर के पास तरफ चले जाते हैं। जैसे हम ये अपने पर्सनल कंप्यूटर लेते हैं ना, इनके अंदर कितने प्रोसेसर लगे होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इतने ज़्यादा ज़्यादा प्रोसेसर लगे होंगे। लेकिन जब हम सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं या मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करते हैं, इसके अंदर हजारों इस तरह के प्रोसेसर लगे हुए हैं। सुपर कंप्यूटर इज मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर देन ऑल अदर कंप्यूटर। जैसे जैसे आगे बढ़ते देखें, हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर से ठीक है, हमारे पास कौन से हैं, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर महंगे हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर से हमारे पास सुपर कंप्यूटर महंगे हैं। ठीक है, और सुपर कंप्यूटर के बाद हमारे पास, अभी हम इसमें से एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ नोट्स में ऐड नहीं की, मिनी कंप्यूटर।
पर्सनल कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल मिनी कंप्यूटर होते हैं, फिर मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल जो है हमारे पास मेन फ्रेम होते हैं, और मेन फ्रेम से हमारे पास क्या है सुपर कंप्यूटर, सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उसके अंदर हज़ारों प्रोसेसर लगे हुए हैं इस तरह के। ऐसे सुपर कंप्यूटर इज द फास्टेस्ट मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव। द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर आर कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग मोर देन 1 quadrillion इंस्ट्रक्शन, यानी खरबों ट्रांजेक्शन एट एक सेकेंड के अंदर इसको हल कर सकता है, सिंगल सेकेंड, इतना पावरफुल कंप्यूटर है। पाकिस्तान के पास 3-4 सुपर कंप्यूटर हैं सिर्फ। इस टाइम सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर पहले जापान के पास था, लेकिन इस टाइम चाइना के पास है सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर, ठीक है। तो ये हम अपनी कहाँ पे यूज़ करते हैं इसको, ज़्यादातर अपनी मेडिसिन के अंदर, ठीक है, मेडिकेशन के अंदर ज़्यादातर हम साइंटिफिक मेथड्स के अंदर यूज़ करते हैं, जहाँ पे जैसे हमारे पास हमारे न्यूक्लियर सिस्टम है, न्यूक्लियर सिस्टम के अंदर वहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च के लिए यूज़ होते हैं, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन के लिए, ऑटोमोटिव डिज़ाइन के लिए, ये सारी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो इन्हें अफोर्ड कर सकती हैं वो वाली इनको क्या करते हैं यूज़ करती हैं, ठीक है। हमारे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर अभी तीन चार सुपर कंप्यूटर होंगे, इससे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि इसकी कास्ट इतनी ज़्यादा है, ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर कास्ट है, तो इसको कोई बेयर नहीं कर सकता। एम्बेडेड कंप्यूटर, ठीक है, हमारी आर्मी के पास हैं, आर्मी सुपर कंप्यूटर हमारे आर्मी वाले यूज़ करते हैं, या फिर और भी बहुत सारे क्या कर रहे हैं जो हमारी एजेंसीज हैं वो यूज़ कर रही हैं। इसी तरह जब हम बात करते हैं एम्बेडेड, एम्बेड का क्या मतलब होता है मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे हो, देखिए कुछ चीज़ों को जब आप रियल लाइफ से रिलेट करते हो ना, तो वो आप लोगों को याद करना ईजी हो जाता है, आसान होता है, आपको रट्टे नहीं लगाने पड़ते। किस चीज़ को एम्बेड करना क्या होता है, ठीक है, उस चीज़ के किसी चीज़ के साथ शामिल कर देना क्या कहलाता है, एम्बेड करना कहलाता है। अब एम्बेडेड कंप्यूटर्स क्या होंगे, इसका मतलब है ये अलग से कोई कंप्यूटर नहीं है, हमने कोई चीज़ें किसी और डिवाइस के अंदर या किसी और सिस्टम के अंदर लगा दी हैं कंप्यूटर की, उसे हम क्या कहते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल आप लोग घर में माइक्रोवेव ओवन यूज़ करते हो, अब हम उसे कंप्यूटर तो नहीं कहते ना, ओवन कहते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है बेसिकली, उसके अंदर कंप्यूटर तो लगा हुआ है, वो मेरा क्या है, एम्बेडेड कंप्यूटर है। इसी तरह आप वॉशिंग मशीन यूज़ करते हो, ठीक है, उसके अंदर भी कंप्यूटर चिप लगी हुई है, ठीक है। इसी तरह आप लोग थर्मोस्टेट यूज़ करते हो, उसके अंदर भी कंप्यूटर चिप लगी हुई है। गाड़ियाँ हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, ठीक है, गाड़ी के अंदर ब्रेक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए भी हमारे पास गे फ्यूल को कंट्रोल करने के लिए भी हमारे कंप्यूटर की चिप लगी हुई है। ये सारी चीज़ें जो ऐसे कंप्यूटर यानी छोटी चीज डिवाइसेज या कैमराज लगे हुए हैं, तो ये सारी किसी दूसरी जो डिवाइसेज के अंदर लगी हुई हैं वो हमारी एम्बेडेड कंप्यूटर्स कहलाते हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी हमारे पास लगे होते हैं, जैसे मोबाइल हैं, डिजिटल टेलीफोन, डिजिटल टेलीविजन, कैमराज, वीडियो रिकॉर्डर्स, डीवीडी प्लेयर्स एंड रिकॉर्डर्स, होम ऑटोमेशन डिवाइसेस के अंदर एम्बेडेड कंप्यूटर कैसे होते हैं, थर्मोस्टेट के अंदर स्प्रिंकलिंग सिस्टम होता है, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, जैसे स्मोक डिटेक्शन सिस्टम होता है, ठीक है, जैसे ऑटोमोबाइल्स के अंदर एंटी लॉक ब्रेक्स हैं, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल्स हैं, ये सारे क्या हैं, इस तरह के हमारे एम्बेडेड कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। जैसे रोबोटिक्स हैं, ठीक है, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम है, पावर मॉनिटर्स हैं, मशीन कंट्रोलर्स हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, जैसे ऑटोमेटिकली मशीन जब आप लोगों को बता देता है कि इतना टेम्परेचर हो गया है, इतना ये हो गया है, वो सारी उसके अंदर जो कंप्यूटर की चिप्स लगी हुई होती हैं। मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर में क्या कहा था, यू ऑल आर कनेक्टेड विद कंप्यूटर्स, आप सारे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जैसे कंप्यूटर डिवाइसेज हैं, ऑफिस मशीन, कीबोर्ड, प्रिंटर, फैक्स एंड कॉपी मशीन, इन सब के अंदर क्या है हमारे एम्बेडेड कंप्यूटर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ये बात में बच्चे मेरी याद रखनी है, सबसे हमारे पास लेस पावरफुल पर्सनल कंप्यूटर, देन मिनी कंप्यूटर, मैंने आप लोगों का यहाँ पे नाम नहीं है लेकिन आप लोगों ने ऐड कर लेना है, मिनी कंप्यूटर है, जो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उनका साइज बढ़ता जाएगा और प्रोसेसिंग पावर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और नंबर ऑफ़ यूज़र कितने लोग यूज़ कर सकते हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। पर्सनल कंप्यूटर को आमतौर पर एक यूज़र यूज़ करता है, फिर मिनी कंप्यूटर है उसको भी हम सर्वर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा लोग एट अ टाइम उससे कनेक्ट हो सकते हैं नेटवर्क बना के, ठीक है। इसी तरह हमारे पास फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर आ जाते हैं जो मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल हैं, ठीक है, और साइज़ में भी बड़े हैं और उसको हज़ारों लोग एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं। फिर हम मेन फ्रेम कंप्यूटर से आगे सुपर कंप्यूटर की तरफ जाते हैं, सुपर कंप्यूटर हमारे पास क्या है, उससे भी ज़्यादा पावरफुल हैं, यानी मेन फ्रेम से भी ज़्यादा पावरफुल हैं,
और इसका साइज़ में भी बड़े हैं, ठीक है। और इसको हज़ारों लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एम्बेडेड कंप्यूटर, तो ये हमारे पास जो दूसरी डिवाइसेस के अंदर लगे हुए होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, वो हमने देखने हैं। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स के बेसिकली कितने कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। कंप्यूटर को आमतौर पर दो कंपोनेंट में डिवाइड किया जाता है, एक है हमारे पास हार्डवेयर एंड दूसरा सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के बेसिक कितने कंपोनेंट हैं, दो कंपोनेंट हैं, एक है हमारे पास हार्डवेयर और दूसरा मेरे पास क्या है, सॉफ्टवेयर। फिर हार्डवेयर को मजीद उसके यूनिट्स में डिवाइड डिवाइड किया जाता है, मजीद उसको कंपोनेंट में उसके हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम वेट वी कैन टच एंड फील, जैसे ये हमारे कंप्यूटर रखा हुआ था जो हमें फिजिकली नज़र आ रहा होता है, ये बेसिकली क्या है, हमारा हार्डवेयर है, ठीक है। फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, यानी अगर हम उसे ये भी कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, टचेबल डिवाइसेस एंड पेरिफेरल ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर, या कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं वो सारी हमारी क्या कहलाती हैं, हार्डवेयर, ठीक है। तो हार्डवेयर क्या है, फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज हार्डवेयर। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी हार्डवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो मैं आप लोगों को शुरू शुरू से मेरे बच्चों को बताता आ रहा हूँ कि हम कंप्यूटर को बताते हैं व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ठीक है। तो ये जो हम इंस्ट्रक्शन लिख रहे होते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, कंप्यूटर को हम बता रहे होते हैं कि भाई क्या करना है और कैसे कैसे काम करना है, तो बेसिकली हम क्या बना रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं। तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन मैं जो आप लोग बता रहा हूँ, इसको लेक्चर ये सुन के आप लोग खुद भी लिख सकते हो, ठीक है। सेट, देखिए किसी भी काम को करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन तो नहीं होती, एक हिदायत तो नहीं होती ना, एक से ज़्यादा हिदायत होती हैं। तो कंप्यूटर को भी हम कोई काम करने के लिए उसको जब हिदायत लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, वो भी एक से ज़्यादा होती हैं। तो हम एक से ज़्यादा को इकट्ठा कर लें तो उसे क्या कह देते हैं, सेट, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हिदायत का वो मजमूआ गिवन टू द कंप्यूटर, किसको दे रहे हैं, हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, किस काम के लिए, टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क, कोई भी एक खास काम करने के लिए जो हम कंप्यूटर को हिदायत का मजमूआ दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। तो दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, इसका डिफरेंट, हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट कंप्यूटर को हम टच, सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, सिर्फ उसके रिजल्ट देख सकते हैं, उसके काम देख सकते हैं, ठीक है। कभी आप लोगों को देखा है कि ये सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जो है ना आप लोगों के सामने हो, किसी बंदे की शक्ल में हो, किसी डिवाइस की शक्ल में हो, किसी माउस की शक्ल में हो, कि जो, तो हम उसे नहीं देख सकते, ठीक है। तो हमारे जो सॉफ्टवेयर है वो एवरीथिंग विच रिजाइड इन द कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर चीज़ें रहती हैं वो हमारी सॉफ्ट फॉर्म में होती हैं। क्या होती हैं, वो हमारी सॉफ्ट फॉर्म में होती हैं, एवरीथिंग रिजाइड इन द कंप्यूटर। जैसे आप लोग कहते हो कि जी ये पिक्स है मुझे सॉफ्ट में दे दो, ठीक है। हार्ड में तो तब है जब उसको हम प्रिंट कर लेते हैं ना किसी पेज के ऊपर, वो हमारी हार्ड बन जाती हैं, ठीक है। तो हमारी जितने भी हैं, तो जैसे हमारे पास टाइपिंग ट्यूटर सॉफ्टवेयर की एग्जांपल दी है, वीएलसी प्लेयर है, मीडिया प्लेयर है, गेम्स हैं, ठीक है। ऑल सॉफ्टवेयर यूटिलाइज एटलीस्ट वन हार्डवेयर डिवाइस टू ऑपरेट, ठीक है। तो हर सॉफ्टवेयर जो हमारे पास है वो कम अज़ कम किसी न किसी हार्डवेयर को इस्तेमाल कर रहा होता है जब वो चल रहा होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, ए वीडियो गेम विच इज सॉफ्टवेयर यूजेज द कंप्यूटर प्रोसेसर, सीपीयू, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, जब आप गेम खेल रहे हो तो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल, वीडियो कार्ड टू रन। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूजेज द कंप्यूटर प्रोसेसर, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाते हो वो भी तो एक सॉफ्टवेयर ही है ना। मेमोरी एंड हार्ड ड्राइव टू क्रिएट एंड सेव द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। देखें, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर आर कंपल्सरी फॉर ईच अदर, ठीक है। ये एक दूसरे के लिए क्या है, बहुत अहम है। कैसे अहम है, क्यों है अहम है, ठीक है। इनका रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज दैट, ठीक है, हार्डवेयर कैन नॉट वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर। अब मैंने आप लोग शुरू में कहा था कि ये एक मिटालिक बॉक्स की तरह है, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन के बगैर काम नहीं करता, इंस्ट्रक्शन कौन बनाता है, सॉफ्टवेयर इंसान बनाते हैं। तो हार्डवेयर इज यूजलेस विदाउट सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज यूजलेस विदाउट हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर का जो है, सॉफ्टवेयर यूजलेस है, किसी काम का नहीं है, और सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर जो है किसी काम का नहीं है, ठीक है। मैं इसकी एग्जांपल आप लोगों को देता जाता हूँ, आप लोगों के पास लैपटॉप है, सिस्टम है, या मोबाइल है, इसके ऊपर जो आप लोग जो लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर विंडो इंस्टॉल करते हो, ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। अगर आप विंडो इंस्टॉल ना करो तो क्या ये मेरा कंप्यूटर काम करेगा या हार्डवेयर काम करेगा, नहीं, किसी काम का नहीं है,
ठीक है, ये ऐसे पड़ा रहेगा डैम। मैं जब इसके ऊपर सॉफ्टवेयर कर लूंगा तब मेरे काम होना शुरू होंगे। अब मेरे पास सॉफ्टवेयर है और लैपटॉप या मोबाइल नहीं है, तो वो सॉफ्टवेयर किसी काम का है नहीं है। तो इन दोनों का आपस में मैं एग्जांपल अक्सर देता होता हूँ, ये इस तरह की हैं, नौकर और मालिक की तरह है। जैसे हार्डवेयर एक नौकर है और सॉफ्टवेयर एक मालिक की तरह है। मालिक हमेशा क्या देता है, ऑर्डर देता है अपने हार्डवेयर को, भाई ये काम करो, और साथ ये भी बता देता है इस तरह काम करो, तो नौकर वही काम करके ले आता है। ठीक है, तो ये हमारा हार्डवेयर है, ये किसकी तरह है, एक नौकर की तरह है, सर्वेंट की तरह है। ठीक है, और जो हमारा सॉफ्टवेयर है एक लॉर्ड की तरह है, मालिक की तरह है। ठीक है, तो मेरे पास मेरे बच्चे ये जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के अंदर यानी सॉफ्टवेयर को के ऊपर अमल करने के लिए यानी इंस्ट्रक्शन के ऊपर अमल करने के लिए किसी न किसी हार्डवेयर की ज़रूरत है। जैसे अगर हम ये कहें कि मेरे पास नौकर है मालिक नहीं है, तो कोई नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि जब मालिक ही नहीं है तो वो किसका नौकर है? ठीक हो गया। इसी तरह मैं कहूँ मालिक है और नौकर नहीं है, तो भाई वो किसका मालिक है? ठीक है, जब नौकर ही नहीं है उसका। तो इसी तरह ये एक दूसरे के क्या हैं, लाजमी हैं। तो हार्डवेयर कैन नॉट वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज़ यूजलेस विदाउट हार्डवेयर। ये दोनों एक दूसरे के लिए अहम है। और आप लोग आप सॉफ्टवेयर की होप्स समझ भी आ गई होगी। ये जो आप लोग गेम्स खेलते हो ना, ये हमने आईटी के लोगों ने यही सॉफ्टवेयर बनाए होते हैं, इनके इसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी होती है। कंप्यूटर की ज़बान में हम ये कोड लिखते हैं, कंप्यूटर को बताते हैं क्या काम करना है और कैसे काम करना है। ठीक है, अब इस हार्डवेयर को मजीद इसके हिस्सों में तकसीम किया गया है। ठीक है, जब आप लोग हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो उस टाइम के ऊपर आप लोगों को डेफिनेशन टाइम के ऊपर याद होगा, मैंने बात की थी इनपुट की, मैंने बात की थी आउटपुट की, मैंने बात की थी प्रोसेसिंग की, मैंने बात की थी स्टोरेज की। ठीक है, कितनी बात की थी मैंने, चार हमने बातें की थी। अब इनपुट हमने कहा था कि कंप्यूटर को हम कोई भी चीज़ दे रहे हैं, वो मेरे पास क्या है, इनपुट कहलाती है। एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट। ठीक है, और जब हम कंप्यूटर को कोई चीज़ दे रहे हैं वो साफ ज़ाहिर है किसी ना किसी डिवाइस के जरिए दे रहे होंगे ना, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये डिवाइसेस यूज़ करके हम कंप्यूटर में डाटा इंटर कर रहे होंगे। तो जो डिवाइसेस कंप्यूटर के अंदर डाटा इंटर करने के लिए, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। अब इनपुट हमारी डिफरेंट किस्म की होती है, जैसे टेक्स्टुअल इनपुट है तो हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं टेक्स्ट इंटर करने के लिए। ठीक है, अगर मेरे पास वॉइस आवाज़ की सूरत में है तो माइक्रोफोन यूज़ करते हैं, वो मेरी इनपुट डिवाइस है। या अगर पिक्चर की फॉर्म में है तो स्कैनर यूज़ करते हैं या कैमरा यूज़ करते हैं, वो हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं, उनके जरिए हमारा डाटा जा रहा है। तो इन सारी इनपुट डिवाइसेस को डिफरेंट टाइप्स के इनपुट डिवाइसेस, जैसे इनपुट डिफरेंट टाइप्स की होती है तो इनपुट डिवाइसेस भी क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। इन सारी इनपुट डिवाइसेस को जब हम एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, क्या कहलाता है, इनपुट यूनिट कहलाता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ इनपुट डिवाइसेस इज नोन एज इनपुट यूनिट। क्या कहलाता है हमारे पास, इनपुट यूनिट। अब इनपुट डिवाइसेस आप लोगों को समझ आ गई होंगी कि ऐसी डिवाइसेस थ्रू विच वी इंटर द डाटा, द डिवाइसेस थ्रू विच वी इंटर द डाटा इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर आसान आसान सी डेफिनेशन में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में बैठती जाए। ऐसी तमाम डिवाइसेस जिसके जरिए हम डाटा कंप्यूटर में इंटर कर रहे हैं वो मेरी क्या कहलाएंगी, इनपुट डिवाइसेस कहलाएंगी। ठीक है, इसी तरह जैसे आप इनपुट डिफरेंट टाइप की है, आउटपुट भी क्या है, डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे हमारे पास हम पेज के ऊपर प्रिंट करते हैं, आवाज़ की आउटपुट होती है तो स्पीकर के थ्रू आ रही होती है। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास कोई डिस्प्ले हमारा सॉफ्ट आउटपुट है तो ये स्क्रीन के ऊपर मुझे नज़र आ रही है। तो ये सारी हमारे आउटपुट भी डिफरेंट टाइप की है, तो आउटपुट डिवाइसेस भी क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। और इन सारी आउटपुट डिवाइसेस को जब हम एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट यूनिट कहलाता है। इन सारी आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल कौन करता है, आउटपुट यूनिट। इनपुट डिवाइसेस को कंट्रोल कौन करता है, इनपुट यूनिट। ठीक है, तो अब जब हम आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट डिवाइस क्या होती है, द डिवाइसेस थ्रू विच वी रिसीव द डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर। पहले मैंने कहा द डिवाइसेस थ्रू विच वी इंटर द डाटा इनटू द कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट डिवाइसेस, द डिवाइसेस थ्रू विच वी रिसीव द डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर इज नोन एज आउटपुट डिवाइसेस। वो हमारी क्या कहलाती हैं, आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। जैसे ये डिस्प्ले स्क्रीन है, हमारी LCD हो गई या मॉनिटर हो गया, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह हमारे पास स्पीकर हो गए, वो हमारी क्या है, आउटपुट डिवाइस है।
प्रिंटर के जरिए कंप्यूटर से डाटा बाहर आ रहा होता है, प्रिंट हो रहा होता है, वो मेरी आउटपुट डिवाइस है। अब आप लोग ये देखें, माइंड में रखें दो चीज़ें, मैं आप लोगों से कोई डिवाइस देता हूँ और पूछता हूँ कि ये इनपुट है या आउटपुट है, तो आप लोगों ने ये सोचना है कि इसके जरिए कंप्यूटर में डाटा जाता है या इसके जरिए कंप्यूटर से डाटा आता है। अगर कंप्यूटर उसके जरिए हम कंप्यूटर में डाटा इंटर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास वो इनपुट डिवाइस है। जैसे ये वीडियो कैमरा है, अब कैमरे के जरिए हमें कोई चीज़ नज़र तो नहीं आ रही ना, कैमरा के वो हमारे डाटा को हमें तस्वीर को कैप्चर करके आगे भेज रहा है, तो इसका मतलब वो इनपुट डिवाइस है। वो डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर जो हमें नज़र आ रहा है वो मेरी क्या है, आउटपुट वो हमें दिखा रहा है, ठीक है। इसी तरह जब हम बात करते हैं कीबोर्ड की, कीबोर्ड के अगर सोचना है, कीबोर्ड के जरिए डाटा हमें कोई चीज़ नज़र तो नहीं आती, हम इंटर कर रहे हैं कंप्यूटर में जा रहा है ना, वो हमारी इनपुट है, ठीक है। जो चीज़ या माउस है, माउस के जरिए हमें कोई चीज़ वापस तो नहीं आ रही, जा रही है ना, ये हमारी आउटपुट है, सॉरी इनपुट है। तो जिसके जरिए हमारे कंप्यूटर में डाटा इंटर हो रहा होगा वो मेरी इनपुट डिवाइसेस कहलाएगी, और जिसके जरिए हम कंप्यूटर से डाटा रिसीव कर रहे होंगे वो मेरी आउटपुट कहलाएगी। द डिवाइसेस थ्रू विच वी इंटर द डाटा इनटू द कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट डिवाइसेस, द डिवाइसेस थ्रू विच वी रिसीव द डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर इज नोन एज आउटपुट डिवाइसेस। तो हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कन्वेज द इन्फॉर्मेशन टू वन और मोर पीपल, यानी जो हमें एक या एक से ज्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर से लेके हमें दे रहा है वो हमारा आउटपुट डिवाइसेस है। अब सिस्टम यूनिट, तो हमने ये बात की थी प्रोसेसिंग की, ये जो हमें एक बॉक्स नज़र आ रहा होता है, ठीक है, केसिंग में, जिसे हम वो क्या कह देते हैं, हम कहते हैं कि हमारा ये सीपीयू है, ये सीपीयू नहीं होता, ये सिस्टम यूनिट होता है। सीपीयू इसका एक हिस्सा है, उसके अंदर लगा हुआ एक डिवाइस है, ठीक है। वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि सीपीयू क्या होता है, ठीक है, तीसरे लेक्चर के अंदर। तो लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिस्टम यूनिट, ये जो हम केसेज है दैट कंटेन द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर दैट आर यूज टू प्रोसेस द डाटा, जो हमारे ये जो एक डिवाइस बॉक्स रहता होता है जिसके अंदर सारी डिवाइसेज लगी हुई हैं जो डाटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ होती है, वो मेरा क्या कहलाता है, सिस्टम यूनिट कहलाता है, ठीक हो गया। इस तरह स्टोरेज डिवाइसेज हैं, हमारे डाटा को सेव करने के लिए यूज़ होते हैं, रिकॉर्ड राइट, ठीक है, रिकॉर्ड करने के लिए, राइट करने के लिए, यानी आर रिटीव द रीड, ठीक है। मैं आप लोगों को रीड, कंप्यूटर के ऊपर हम दो तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सीपीयू प्रोसेसर है, जो हमारे पास सीपीयू है वो कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस के ऊपर, हार्डवेयर के ऊपर दो तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है, एक होता है रीड ऑपरेशन, एक होता है राइट ऑपरेशन। कितने तरह के ऑपरेशन होते हैं बच्चे, रीड ऑपरेशन और एक होता है राइट ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन क्या है और राइट ऑपरेशन क्या है, रीड ऑपरेशन से क्या मुराद है, देखो जब आप क्या कर रहे होते हैं, आपके मेमोरी कार्ड के ऊपर कोई भी चीज स्टोर है, कोई गाना स्टोर है, कोई वीडियो स्टोर है, ठीक है, जब आप क्या करते हो उसके ऊपर क्लिक करते हो, तो इसका मतलब है जो आपका प्रोसेसर लगा हुआ है मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, उससे डाटा ले रहा है, वो हार्डवेयर से, उस स्टोरेज डिवाइस से डाटा लेके आता है, कहाँ पे, हमारी रैम के अंदर या मेन मेमोरी के अंदर। मैं आप लोगों को स्टोरेज डिवाइस से डिटेल में पढ़ाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कंप्यूटर क्यों हैंग हो जाते हैं, मोबाइल क्यों हैंग हो जाते हैं, क्या मतलब होता है उसका, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, जब वो डाटा, जो हमारा प्रोसेसर है वो किसी स्टोरेज डिवाइस से जब डाटा ले रहा होता है, इसका मतलब वो रीड कर रहा होता है। सेम है जैसे आप लोग किसी बुक से पढ़ रहे होते हो, इसका मतलब है वो इन्फॉर्मेशन आप लोग अपने माइंड में लेके आ रहे होते हो, तो उससे रीड कर रहे होते हो, उसे क्या कहते हैं, रीड ऑपरेशन। ड्यूरिंग रीड ऑपरेशन द कंटेंट ऑफ मेमरी लोकेशन, यानी मेमरी के ऊपर जो डाटा पड़ा हुआ है, कॉपी टू द सीपीयू रजिस्टर, किसके पास चला जाता है, सीपीयू के पास चला जाता है। मैं ये डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा, डायग्राम बना के समझाऊंगा, ठीक है। इसी तरह जब हम बात करते हैं राइट ऑपरेशन की, जब सीपीयू के पास कोई डाटा जाता है और सीपीयू दोबारा कहाँ पर रखता है, किसी मेमोरी के ऊपर, स्टोरेज डिवाइस के ऊपर, तो उसे हम क्या कहते हैं, राइट ऑपरेशन। जैसे कि आप लोग अपने माइंड में जो चीज़ भी इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग किसके, आप लोगों का माइंड भी तो सीपीयू की तरह है ना, ठीक है। जब आप लोग अपने माइंड की चीज़ कहाँ पे किसी रजिस्टर के ऊपर लिख रहे हो तो क्या कहते हो, राइट कर रहे हो। इसी तरह सीपीयू अपना डाटा जब किसी डिवाइस के ऊपर रख रहा है तो इसका मतलब राइट कर रहा है, जब उससे ले रहा है तो इसका मतलब रीड कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारी स्टोरेज डिवाइसेज के ऊपर हम दो तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन, ठीक है। जिसके ऊपर हम डाटा स्टोर करते हैं वो हमारी स्टोरेज डिवाइसेज या मेमोरी कहलाती है। कम्युनिकेशन डिवाइसेज होती हैं जिसके जरिए हम डाटा सेंड या रिसीव कर सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेज कहलाती है। तो सेंड आर रिसीव द डाटा इन्फॉर्मेशन टू सेंड एंड फ्रॉम वन आर मोर कंप्यूटर आर मोबाइल डिवाइसेज, जिस ऐसी डिवाइसेज जिसके जरिए डाटा एक जगह से दूसरी जगह हम सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, वो मेरी क्या कहलाती है, स्टोरेज डिवाइसेज कहलाती हैं। तो अब आप लोगों ने ये चीज़ें देखनी है कि हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेज जो हैं, ठीक है, वो क्या हैं और हम डाटा किस तरह क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। अब इन डिवाइसेज की आप लोग एग्जांपल देखते जाएं साथ साथ, जो अभी मैंने आप लोगों को बताई हैं,
इनपुट डिवाइसेज हैं, ये कीबोर्ड है, इसके जरिए कंप्यूटर में डाटा इंटर होता है, माउस है, ट्रैक पैड है, ठीक है, इसके जरिए भी कंप्यूटर में डाटा इंटर होता है, टच पैड हो गया जो टच हमारे पास स्क्रीन, ये डायग्राम से आप लोग सब कुछ नजर आ रहा होगा, जो आपके लैपटॉप के ऊपर ये पैड होता है इसे हम टच पैड कहते हैं। इसी तरह टच स्क्रीन हो गई, ये भी हमारी इनपुट भी है और आउटपुट भी है, ठीक है। MICR हो गया, ठीक है, ये हमारे पास जो स्कैनर वगैरह होते हैं, ठीक है, स्ट्रिप कार्ड रीडर्स होते हैं, ये सारी हमारे पास क्या हैं, इनपुट डिवाइसेज हैं। इसी तरह डिसेबल पर्सन जब अपनी स्टिक यूज़ करते हैं या इस तरह की, ये सारी उनको जो इन्फॉर्मेशन जा रही होती है वो हमारी इनपुट डिवाइसेज है। ग्राफिक टैबलेट, ये सारी हमारी इनपुट डिवाइसेज की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसी तरह पॉइंटिंग स्टिक हो गई, जो आपके लैपटॉप टच पैड के साथ ऊपर पॉइंटिंग लगी हुई होती है, ये ऑडियो कार्ड, माइक्रोफोन, ये सारी हमारी इनपुट डिवाइसेज हैं। स्कैनर है, इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड भी होता है जिसके ऊपर लिख रहे हो आप लोग, ठीक है, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड जिसे हम कहते हैं। इस तरह पेन इनपुट है, पेन के जरिए भी डाटा इंटर कर रहे हो, बार कोड रीडर है, जॉयस्टिक है, बायोमेट्रिक्स हैं, ठीक है, ये सारी हमारी क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। इसी तरह आउटपुट डिवाइसेस जो हमारे डिस्प्ले स्क्रीन है, ठीक है, और प्रिंटर हो गए, स्पीकर हो गए, ठीक है, जैसे हेडफोन, वीडियो कार्ड हो गए, ठीक है, इसी तरह कम्युनिकेशन, इसी तरह फैक्स मशीन हो गई, प्लॉटर, फैक्स मशीन से डाटा रिसीव हो रहा होता है ना, फैक्स जो भी आते हैं, प्लॉटर, प्रिंटर, प्लॉटर क्या होता है, एक बड़ा प्रिंटर होता है, मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊंगा आगे। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है, उससे हमारे आउटपुट आप लोगों को नजर आ रहा होता है। इसी तरह कम्युनिकेशन डिवाइसेज, ये PTCL मोडेम है, EO विंगल आप लोगों की हो गई, स्विच या हब हो गए, TP लिंक, ये सारी डिवाइसेज की मैंने डायग्राम ऐड की है ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए, ये सारी हमारी क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेज हैं, ठीक है। इसके बाद ये सिस्टम यूनिट हैं, सिस्टम यूनिट की डिवाइसेज क्या हैं, तो ये आगे नेक्स्ट लेक्चर हम कल पढ़ेंगे, लेकिन ये वाला आज आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग है। सिस्टम यूनिट ये हमारी कैसिंग है, इसके अंदर सारी चीज़ें जितनी भी लगी हुई हैं, ये CD-ROM हो गया, DVD-ROM हो गया, CPU प्रोसेसर है, ये जो आप लोगों को डायग्राम नज़र आ रही है, जब मैं पढ़ाऊँगा प्रोसेसर कितना होता है, इसका साइज सारा बताऊँगा। इसके अंदर ये केसिंग फैन लगा होता है जो हमारे सिस्टम को कूलिंग के लिए यूज़ होता है, CPU फैन होता है, एक केसिंग फैन होता है जो पूरी सिस्टम यूनिट को ठंडा रखने के लिए होता है, एक CPU के ऊपर लगा होता है। जब कभी आप लोग को अगर कैंपस में कभी आना हुआ तो मैं एक पूरा सिस्टम खोल के आप लोग को दिखाऊंगा कि इसके अंदर CPU कहाँ पे है, और CPU के ऊपर एक और पंखा लगा हुआ होता है, फ़ैन होता है। इसी तरह हार्ड ड्राइव है, हार्ड डिस्क लगी हुई है, ये भी मैं आप लोगों को फिजिकली मेरे ऑफिस में ये चीज़ें रखी हुई हैं, मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि हार्ड ड्राइव किस तरह होती है, ठीक है, और उसके ऊपर कैसे कैसे चीज़ें लगी होती है, कैसे काम करते हैं। हमारे पास इस तरह कीबोर्ड, माउस, ये पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं, ये मेमोरी रैम वगैरह हो गई, मोडेम हो गई, ठीक है, ये मदरबोर्ड हो, मॉनिटर हो गए, ये सारे सिस्टम यूनिट, पूरा ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, एक सिस्टम यूनिट होती है। ये मदरबोर्ड होता है, ये जो आप लोगों को बड़ी डायग्राम और मेरा एरो इस तरह नज़र आ रहा है, ये मदरबोर्ड है। पावर सप्लाई जो हमारे कंट्रोल को, करंट को कंट्रोल कर रहा होता है, मीन कि हर डिवाइस को थोड़े कंट्रोल चाहिए होता है, किसी को 10 वोल्ट चाहिए तो किसी को 6 वोल्ट चाहिए, किसी को 4 वोल्ट चाहिए, तो ये सारी किस चीज़ को कौन कंट्रोल कर रहा है, पावर सप्लाई, ठीक है। इसी तरह नेटवर्क कार्ड है हमारे पास, तो NIC कार्ड वो भी सिस्टम यूनिट का हिस्सा है, साउंड कार्ड हो गया, वीडियो कार्ड हो गया, स्पीकर हैं, जिप ड्राइव, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा एक पूरा सिस्टम यूनिट बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसी तरह IDE केबल हैं, डाटा केबल हैं, वेज साटा डाटा केबल, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा इनका IDE केबल और साटा केबल में क्या फ़र्क होता है। आई होप सो, मेरे ख्याल में ये लेक्चर ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, इसलिए हम इसको आज यहाँ तक वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट जो वीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये डाटा की टाइप्स पढ़ेंगे, और ये मैं आप लोगों को डिटेल में इनकी कन्वर्जन भी करके सिखाऊंगा कि डाटा के यूनिट्स कौन से हैं और कन्वर्जन क्या है। तो ये हमारा इंशाल्लाह ये लेकिन आप लोगों ने ये सारी चीज़ें याद रखनी है मेरे बच्चे, और मैं आप लोगों का जब टेस्ट लूँगा, क्विज़ लूँगा, तो आप लोगों को ये डायग्राम भी बनानी पड़ेंगी, तो आप लोग सोच समझ के तैयार कीजिएगा, और ये बात माइंड में रखिएगा, आप लोग के पेपर आप लोग के कैंपस में होंगे, अब ये नहीं होगा कि आप लोग 10 लोग एक साथ बैठ के एक दूसरे का देख के कर लें, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग लेक्चर। मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा कि मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे अल्लाह ताला अपना फ़र्ज़ अदा करने की तौफीक अता करे कि मैं अपना फ़र्ज़ अच्छे तरीके से निभा सकूं, और आप लोगों को भी अल्लाह ताला अपना फ़र्ज़ पूरा करने की तौफीक दे कि आप लोग भी साथ साथ इन चीज़ों को कवर अप करते रहें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। फीडबैक देना मत भूलिएगा, आप लोग अपना ये लाजमी बताइएगा कि लेक्चर समझ आया या नहीं आया, क्योंकि आप लोग अटेंडेंस के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों ने ये ऑनलाइन लेक्चर सुनना है, और नीचे कमेंट के थ्रू अटेंडेंस लगानी है कमेंट करके, ठीक है। तो आप लोग जीते रहें, खुश रहें।